ये चलो, ये बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है, बहुत स्विमर स्विमिंग का प्रॉब्लम है। आपको पता है, थ्योरेटिकल आपको पढ़ के आओगे। यहाँ एक ऑब्जर्वर है, वो नदी में, वो पॉइंट पर है, वो नदी में कूदेगा, ठीक है। वो ये रिवर है, उसमें स्विमिंग करेगा यार, और रिवर की वेलोसिटी वी आर इधर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। एक वर्ड बार बार यूज होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टील वाटर, इसका क्या मतलब होता है? इट्स ये जो एक्सप्रेशन है आपको बार बार इधर काम आएगा, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। स्टील वाटर, बच्चे समझ लेते हैं शांत पानी में पानी बह नहीं रहा है, स्विमर उसमें मतलब स्विमिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है यार। देखो, स्टील वाटर का मतलब है कि उस वो रिवर है, उसके पास अपनी खुद की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब जब स्टील वाटर का मैं मीनिंग जब लगाऊंगा, तो उस वक्त जो स्विमिंग कर रहा है स्विमर रिवर में, रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी जो वेलोसिटी आएगी, उसको मैं बोलता हूँ स्टील वाटर वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, स्टील वाटर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्विमिंग 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। रिवर फ्लो हो रही है, आदमी उसमें स्विमिंग कर रहा है, उसमें मजे ले रहा है, तो जब मजे ले रहा है उसी वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो स्टील वाटर है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। ये एक्सप्रेशन है इसका मतलब, ठीक है। चलो, और रिवर की वेलोसिटी यहाँ पहले ही दिया हुआ है, रिवर की वेलोसिटी दिया हुआ कितना है, रिवर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है। ये आपको साइन कन्वेंशन लेना है, ठीक है। अब उसको शॉर्टेस्ट पाथ में स्विमिंग करनी होती है, पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट हो। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के आए हो स्विमर बोट प्रॉब्लम, और ठीक है, तो आपको ये बात पता होगा कि इस आदमी की एक दो स्पेशल इच्छा होती है। इच्छा तो इसकी बहुत है यार, ये आदमी यहाँ है, ये आदमी यहाँ है, अब वो से कूदेगा, रिवर में कूदेगा यार, भाई इसकी मर्जी यार, ये किधर भी जंप लगा दे इधर, इसकी मर्जी, ठीक है। ये किधर भी कूद सकता है यार, ग्राउंड पे इधर तो कूदेगा नहीं, ठीक है, धरती में इधर तो कूदेगा नहीं। तो दो स्पेशल कंडीशन होते हैं, एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब वो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब उसको सबसे कम पाथ चलना पड़ेगा, और वो शॉर्टेस्ट टाइम, उसके पास टाइम कम है, तो ये दो स्पेशल कंडीशन होते हैं, ठीक है। अब ये दो कंडीशन थ्योरेटिकली प्रूफ है और डिराइव भी है, सब कुछ हम लोग थ्योरी में करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी ट्रेवल करता है जब वर्टिकल से इधर जंप करता है, दूसरे कलर से बना दो, वर्टिकल से इस डायरेक्शन में, वर्टिकल से अल्फा डिग्री पर जंप करता है, तो उस वक्त जो पाथ चलेगा नदी में, जो पाथ चलेगा वो शॉर्टेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट टाइम में तभी दूसरे दूसरे किनारे पर पहुंचेगा जब वर्टिकल से बीटा डिग्री पर इधर की डायरेक्शन में जंप मारेगा। ये दो स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। अभी हमें इसमें से कौन सा लगेगा, ठीक है, अभी इसमें लगेगा पहला वाला शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये वाली जो एंगल है दैट इज थीटा, हमें निकालना किधर वो जंप करे। तो ये तो बात ठीक है कि उसको वेस्ट में जंप करना पड़ेगा, अगर ये साइन कन्वेंशन लेते हैं तो यहाँ से वेस्ट में जंप करना पड़ेगा। अब वेस्ट तो सारे हैं, ठीक है, ये इसमें तो वेस्ट दिया नहीं क्योंकि नल वेक्टर आ गया। चलो, तो अब मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। इसको मैं दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये है, ठीक है, पहला तरीका फर्स्ट मेथड ये है कि देखो, फर्स्ट मेथड ये है, समझना इसको, फर्स्ट मेथड ये है अपना कि अगर मैं यहाँ से 20 पे जंप मार दिया, 20 में, ठीक है, ये थीटा है, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, पहला कंपोनेंट परपेंडिकुलर और दूसरा हॉरिजेंटल, ठीक है। और ये जो था, यहाँ से रिवर की वेलोसिटी वी आर 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से, ये अगर ये इस रिवर की वेलोसिटी को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो वो वही है, तो ये 10 हो गया, ये थीटा हो गया, तो साइन थीटा कितना हो गया, इस छोटे से प्यारे से इस छोटे से ट्रायंगल में चले आओ, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई 10/20, मतलब थीटा आ गया 30 डिग्री, मतलब उसको वर्टिकल से 30 डिग्री पे जंप करना पड़ेगा, है ना। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, कि जब कभी भी स्विमिंग होती है, ठीक है, सेकेंड मेथड ये है जो कि आपको काफ़ी काम आएगा, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम में। जब कभी भी स्विमिंग होती है तो अगर ये अल्फा डिग्री पर जंप लगा लिया 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में दो वेलोसिटी है, एक है रिवर की वेलोसिटी जो कि
जो कि इधर की डायरेक्शन में है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, जो पहले से दिया हुआ है एक्स एक्सिस। इधर मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस है यार, ठीक है, क्लियर है। तो अब इस 20 के मैं दो कॉम्पोनेंट करूँगा, एक कॉम्पोनेंट 20 कॉस अल्फा और एक कॉम्पोनेंट 20 साइन अल्फा, ठीक है, समझना इसको। जो भी वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है उसके दो कंपोनेंट हो गए इस पूरे क्वेश्चन में, दो भी वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक एक्स एक्सिस में हो गया, एक वाई एक्सिस में हो गया, एक रिवर के अलोंग हो गया पैरेलल, एक रिवर के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ का दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है शॉर्टेस्ट पाथ का जो कंडीशन है वो ये कहता है कि वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी नेट रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। नेट जो वेलोसिटी है वो मान लो इधर 3-4 वेलोसिटी आता उधर चला, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही वेलोसिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में नेट वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, और नेट वेलोसिटी जीरो तभी होगा जब 20 साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसका मतलब आदमी का नेट वेलोसिटी जीरो तभी होगा एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे लग दो एक्स एक्सिस में जीरो, ठीक है, मतलब उसकी उसकी जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए यार, ठीक है, एक्स एक्सिस में उसकी कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से निकाल लो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा यार, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं इसको शॉर्टेस्ट पाथ वाले क्वेश्चन करने का। अब जब